22 तारीख को संसद जा रहे हो? 22 तारीख को जाएंगे, हर हाल में जाएंगे वहाँ, हमें कोई रोक नहीं सकता। 26 जनवरी पे नहीं रोक पाए ये, तो हमें उस दिन भी नहीं रोक पाएंगे। और पुलिस के साथ तो सहमत नहीं? हम पुलिस वाले मारे ना है, पुलिस वाले जो वहाँ खड़े हैं वे हमारे बालक ना है, वे हमें कैसे रोक देंगे? हरियाणा में तो आपके बालक हैं। हाँ, भी नहीं रुके, रुके कौन है वहाँ? ना वहाँ ना रुका कोई भी, ये सब बकवास है, झूठी बात है, चलते रहे। छोटी मोटी कहानी तो कहीं ना कहीं होती रहे, इतना बड़ा भारत है, इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी पुलिस वाले या फौज वाले जो है, फौज में सीमा पे हमारे बालक लड़ रहे हैं, यहाँ हमारे बालक ना है। गांव से आए होता हूँ, कैसा माहौल चल रहा चुनाव है? गांव में सब सही है, सुख शांति है, बहुत बढ़िया गांव में चल रहा है हिसाब किताब। नहीं, वोट का माहौल कोई माहौल बढ़िया चल रहा है हमारे यहाँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हम तो जब तक माहौल भारत सही नहीं होगा, जब तक ये तीनों काले कानून वापस। माहौल किसका चल रहा गाँव में, बीजेपी का किसका? बीजेपी का माहौल तो खत्म समझो, जैसे कांग्रेस का खत्म हुआ था उसी तरह बीजेपी का माहौल खत्म होने वाला है। वापस कैसे चले जाए भाई, 8 महीने हो गए, बिल वापस लेंगे ये? कब लेंगे ये? ये हकीकत है, अब ना लेंगे 24 में लेंगे। हम तो यहाँ बैठे हैं बिल्कुल 24 तक, जब तक इसका मनिया भेंट ना कर देंगे जब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं। नहीं, आप तो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव हो जाएगा तब लेंगे। चुनाव बंगाल में हराया देख, और अब यूपी में हराएंगे, और आने वाले समय में 24 में भी हराएंगे। और ये हारने के बाद ही हमारी गवर्नमेंट जो भी आएगी वो इन बिलों को खारिज करेगी और किसानों के बारे में वो सोचेगी, ये नहीं सोचेगा। ये तो संघ की आदमी है। हरा के आए हो लेकिन सरकार पे तो कोई ये क्या करेगा? ये हमारे किसानों की, जो छोटे छोटे किसान और मजदूर हैं, उनकी जमीन को सरमाएदारों के हाथों में देना चाहता है, सरमाएदारों के हाथों में देना चाहता, कर्जा दे करके उन्हें कर्जदार बनाएगा, और कर्जदार बनाने के बाद में उस जमीन पर कब्जा करेगा। ये है इसका खेल। आपको भी 8 महीने हो गए, चले जाओ घर। 8 महीने से हम और क्या कर रहे हैं? हम यही तो कर रहे हैं कि हमारी जमीन बच जा, ये जमीन नहीं बच रही हमारी। अगर ये रहा और ये किसान वापस चले गए तो ये जमीन नहीं बचती है, और ये छोटा किसान और मजदूर नहीं बचता है किसी हाल में भी। ये हालात है यहाँ के, इस भारत के अंदर। वो जो अमेरिका में 8 सरमाएदार बैठे ना, जिन्होंने अमेरिका के किसानों को बर्बाद कर दिया, वो हालात यहाँ 4, यहाँ 4 है वहाँ 8 है, जो हालात करेंगे। कहाँ जा रही है? अंडानी अम्बानी, अरे यहाँ आएंगे, फसल हमारा अपने हिसाब से लेंगे, किसान जो है कर्जदार होगा, कर्ज उतर नहीं पाएगा, जमीन सरमाएदारों को जाएगी। ये है खेल। क्या लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल भैया कुछ बिना 2 दफे तो देख लिए ये, अब ना आए इसकी एक वोट भी देहात में भाजपा की, ना तमाम लोग तो कह रहे वोट देंगे, कहीं भी ना। 9 महीने ओली हमने पड़े पड़े, योगी आया हो या मोदी आया हो या कुछ करया हो, महिला हम तो बेकूफ समझ रखे हैं, हमारे बच्चे घर बैठे स्कूल नहीं गए। हाँ, ये तो बात ठीक कर रहे हो। फीस दुगनी ले रही हैं, वे बेकार हो गए, किस काम एक अब सही बात है, वे किसी लाख नहीं रहे हैं बच्चे, सबसे पहले तो दुखी हो है। दूसरा हमारा जो अनाज है या मुंजी है कोई भी, हमने दाम सही ना मिले, घरा पड़े हैं, जब हमने बेच दिए मजबूरी में तो बनियों के पहुंच गए। अब बनियों का सरसों का भाव 6800 का, महारे से 44 से लेई, मुंजी 11 से लेई, फिर मुंजी का भाव हो गया 2400, गेहूं का भाव हो गया 2000। और तो आप जातिवाद पे दो ना, जातिवाद पर ना, हिंदू मुस्लिम पे और ना, और 2017 में क्यों मुसलमान कोई दुश्मन है हमारे? तो 2017 में भाई ना बीजेपी है, 2014 में भी और 17 में भी गलती तो भर रहे हैं, वह गलती कर गए, धोखा कर गए, नुकसान दे रही है हमें, इस पे विश्वास कर गए बैठे थे सर, अब तो सब बात जान गए हम जी। हाँ, ठीक है ना भैया, गलती हुई, एहसास हो गया। हाँ, एहसास हो गया, लग तो नहीं रहा है सर। भाई ऐसा है, सबका साथ सबका विकास, ये जो डमरू वाला था ना, जुमले वाला बाजीगर, भाइयों बहनों तो बाजीगर है, बाजीगर हमको देश को नहीं बिकने देना, पर तुम्हारे देश में कुछ नहीं रहने देना, अपने वायदे कथनी करने पे सही उतरा। ये किसान भोड़ा है, 70 साल से ठगा रहा था, इन्हें सोचा शादी हो
सरकार आ रही है, सबका भला करेगी। लग रहा है रास्ता निकलेगा, रास्ता निकले। एक बात सुनो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। वर्क प्ले वैल्यू प्ले दैट इज द वे टू बी पेंट के। भाई हम तो अपने कार्य मर रहे हैं, हम तो आज भी ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से, अगर माननीय प्रधानमंत्री सद्बुद्धि दे, जो किसानों की सोच है और इनकी बात मान ले, तीनों काले कानून वापस कर दे, MSP कानून दर्जा दे दे, हम वापस चले जाएंगे। और नहीं तो भाई जो हमारे राष्ट्रीय नेता का आह्वान है 22 तारीख से दिल्ली संसद का, तो हमारा धरना होगा और डेली 200 आदमी जाएंगे, डेली आएंगे। देखो सरकार को तो मानना तो पड़ेगा, आप नहीं मानेगी तो 2022 में मानेगी, मानना जरूर पड़ेगा एक दिन। नहीं समझ रहे, 2022 नहीं मानी तो 2024 मानेगी। हर महीने कहते हैं ना, नहीं हर महीने कह रहे, देखो 8 महीने हो गए हमें यहीं बैठे हुए, और ये जाने वाले हैं नहीं परमानेंट, देखो वो आ गए, आप देख लो ना हमारी ट्रॉली देख लो, हमने तो 2024 के हिसाब से बनवा लिया अपना सारा सिस्टम, हम जाने वाले हैं नहीं समझ रहे। अब मोदी जी कभी छाता पकड़ते देखे थे? इतना तो हमने कर दिया है, वो पकड़ना सीख गए, नहीं समझ रहे। आपने पश्चिम बंगाल का जो चुनाव नाक का सवाल बनाया कि हम बाहर आएंगे और बीजेपी सरकार दिल्ली में आएगी और वापस लेगी, जरूर सरकार ने नहीं मानी आपकी, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 2022 में हमारा आएंगे, 2022 में हमारे चार, सरकार हार भी गई और नहीं मानी आपकी बात तो फिर क्या होगा? देखो नहीं मानी तो वो तो पेंडिंग पड़े ही है, कानून तो लागू है नहीं अभी, तो नहीं समझ रहे। फिर आगे कोर्ट फिर बढ़ाएगा, कोर्ट देखेगा कि किसान तो मान नहीं रही सरकार तो, और फिर 2024 में देख लेंगे ना, बदला लेंगे उनसे, नहीं समझ रहे। भाई वोट तो हमारी है, किसान की है, किसान देगा वोट तो। अब किसान को अपने सारे हक चाहिए, विपक्ष है यार क्यों नहीं, देखो संसद में अब विपक्ष साथ ही तो है, कल हंगामा किया, मोदी जी को बोले नहीं दिया, मोदी जी को कब बोलने दिया है, बीच में ही एड जॉन करनी पड़ी वो संसद तो सही था जो आपने संसद का जिक्र किया। भाई देखो हम बोलने और हंगामा करना नहीं, प्रधानमंत्री तो हम हंगामा कर रहे, प्रधानमंत्री जब हमारी नहीं सुन रहे, नहीं समझ रहे। हम प्यार से भी बैठ लिए, वैसे भी बोल लिए, मीटिंग भी बारह हो ली, और जब सरकार नहीं सुन रही है, प्रधानमंत्री नहीं सुन रहे, उन्होंने हम 600 शहीद हो गए यहाँ किसान, उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं बोला। 11 दौर की बात तो सुनी, हाँ 11 दौर की वार्ता हुई सुनी, वो अपनी बताते हैं, वो पर्ची लेके आते हैं, वो तो अपनी बताते हैं, हमारी कहाँ सुनते हैं वो। MSP पे हम गारंटी मांग रहे हैं, MSP का बाद में देखेंगे जी, बाद में जिक्र करना उसको, भैया 75 साल हो गए, फिर कब बात आएगी, वो बात तो बता दो हमें कब आएगी। मान लिया सरकार MSP लिख दे कानून में और खरीदना हो तो क्या फायदा फिर MSP? नहीं फिर वो कानून में ही गारंटी होगी ना, वो सरकार की ही गारंटी है, नहीं समझ रहे। और उससे नीचे जो खरीदेगा उसको 3 साल की जेल होगी, समझ रहे। यही तो लिखवाना हम चाह रहे हैं कि उससे नीचे खरीदेगा, और कोई नहीं खरीद रहा तो सरकार की गारंटी होगी, सरकार को खरीदना पड़ेगा। मिल जाए तो अच्छा नहीं रहेगा अगर कानून भी वापस ना। भैया देखो एक मिनट सुनो ना, गारंटी मिल जाएगी तो ये एक तो मतलब 75% तो सोल्यूशन हो जाएगा। जो 25% जो काले कानून है उनमें जो पॉइंट ऐसे है, अनलिमिटेड स्टोरेज वाला, नहीं समझ रहे। एक वो कर दिया पराली जलाने का जो 1 करोड़ का जुर्माना है, नंबर 2 10 साल ट्रैक्टर चलेगा, चलो वो भी कर लिए जाएंगे। और जो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो कंडीशन है ना, वो कंडीशन जो पॉइंट है वो सारे ही गड़बड़ है, नहीं समझ रहे। अगर मान लो थोड़े 1-2 साल उसने दिया अमीर आदमी ने और पूंजीपति ने दिया, मान लो अडानी अंबानी ने जिनके वेयर हाउस बन रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज चेन बन रही है, 1-2 साल देने के बाद में मंडियां हमारी खत्म हो जाएंगी। भाई मंडी में जब तुमने दुकान खोली, 2 साल तक तुम्हारे पास कोई पहुंचा ही नहीं, तो तुम तो अपनी बंद कर दोगे। तो जो हमारे जो ये रहते हैं आड़ेती मर जाएंगे। सरकार के रवैये से लग रहा है अभी तक जो बातचीत हो रही है कि सरकार कानून वापस नहीं करने वाली। देखो मत करो, हम पे वोट की ताकत है, हम दिखा देंगे, नहीं समझ रहे। बंगाल दिखा लाए, अब हम पे वो पंजाब का चुनाव है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, तीनों स्टेट में दिखा देंगे। वोट मुद्दों पे थोड़ा है, वोट तो जाति धर्म हिंदू मुस्लिम वो पीछे था जातिवाद वाला, अब जातिवाद का भी ये लूट काटेगा, नहीं समझ रहे। जो संयुक्त किसान मोर्चा है ये जातिवाद को खत्म करके मानेगा, किसान यूनियन इसी उस पर उद्देश्य पे है, अब कि उस आदमी को वोट नहीं करेगा जो जातिवादी आ रहा है या तो, और या अपने स्वार्थ के लिए आ रहा है, उसको वोट नहीं किया जाएगा। जो पहले MSP की गारंटी देगा, MSP के रेट बताएगा, फसलों के रेट बताएगा, जो भी ज्यादा बताएगा उसी को वोट करेंगे, भाजपा को छोड़ के। भवन जा रहे हो आप लोग, 200 लोग जाएंगे, लेकिन पुलिस से अभी कोई सहमति नहीं बनी आप लोगों की, अगर नहीं जाने दिया तो? देखो पुलिस तो अपना काम करेगी, जब वो कह रहे हैं जी कहीं और कर लो, अल्टरनेट कर लो, कोई और देख लो, हमें नहीं करना। नहीं अल्टरनेट हमें क्यों देखना है भाई, संसद पर धरना देना है, हम चुप बैठ जाएंगे, अपना बैठ के नीचे बोरी लेके जाएंगे, बोरी पे अपनी चटाई पे बैठ जाएंगे, क्या दिक्कत है, सरकार को क्या दिक्कत है।
बाहर बैठे रहेंगे फुटपाथ पे, फुटपाथ पे बैठे रहेंगे, पुलिस पे रोका है तो देखा जाएगा जब का जब जो बनेगा कंडीशन देखी जाएगी, लाठी चार्ज कर लेगी, पानी की बौछार कर लेगी, वो तो करती है पुलिस, तो हर बार कर रही है। जब हम यहाँ आ रहे थे तब भी तो वही काम कर रहे थे वो, उन्होंने कब आने दिया हमें दिल्ली में, क्यों हम बाहर पड़े हैं बॉर्डरों पर, क्यों नहीं घुसने दिया? रामलीला मैदान में सब धरना प्रदर्शन होते हैं, हमारा ही क्यों नहीं होता? जंतर मंतर पर सब जगह होते हैं, हमारा ही किसान का ही क्यों नहीं है? भारतीय किसान यूनियन की कमेटी भंग करने का क्या कारण? नहीं, कमेटी भंग करने का ये था कि देखो नए नए कुछ ऐसा था कि एनर्जी नहीं थी, कुछ बहुत पुराने थे, कुछ नहीं समझ रहे, अब हमें नई एनर्जी चाहिए, इस वजह से वो पूरी किसान पुराने लोग बेकार हो गए। नहीं, पुराने भी रहेंगे, एनर्जी कुछ थक गए थे, कुछ कह रहे थे जी पदमुक्त करो हमें, कुछ ये कह रहे थे जी ज्यादा दिन हो गए हम पे, ये इतना स्ट्रगल नहीं किया जा रहा है, ऐसे समय पर मतलब नहीं नहीं वो तो होता होता क्या है, आजादी की लड़ाई चल रही है तब लोग पीछे हट रहे हैं? नहीं नहीं, पीछे नहीं हट रहे हैं भाई, ऐसा होता है ना, देखो कुछ लोग बुजुर्ग थे उनमें, वो नहीं कर पा रहे हैं जो अपने 10-10 साल से पद लिए ले रखे थे। कैसी बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा बुजुर्ग है, बुजुर्ग 80-90 साल के बुजुर्ग टिके पड़े 8 महीने। नहीं नहीं नहीं, अब बुजुर्ग हैं देखो, वो गाड़ी चला नहीं पाते, जा नहीं पाते, कहीं उनकी ड्यूटी लगाओ तो ड्यूटी नहीं लगाई जाती, समझ रहे हैं? अरे ड्यूटी हर वक्त लगाई जाती है, या डीएम के कार्यालय पे भी लगाई जाती है, कभी कुछ करना पड़ जाता है, कभी सड़क रोको आंदोलन भी करना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, वो मायने आ रहे हैं कि लोग राजनीतिक, नहीं 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 नहीं, राजनीतिक कोई स्वार्थ नहीं है। सगरी कमेटी भंग करके नई बनाई जाएगी, और वो नई इसलिए बनाई जा रही है कि देखो उसमें एनर्जी जिसमें है उसको यूथ को दिया जाए, पदाधिकारी काम नहीं कर रहे, आप देख रहे हो सरकार तो घुटने के बल डाल ली किसान यूनियन ने, अब और क्यों घुटने के बल? तो अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सरकार को पता है, महसूस हो रहा है उसको, कभी वो छाता नहीं पकड़ते थे उन्होंने, छाता अभी खुद ही पकड़ने लग गए, अब तो खुद छाता पकड़ने लग गए। अरे हम बॉडी लैंग्वेज से पहचान लेते हैं आदमी कहाँ जा रहा है, मोदी जी ने रोटी नहीं खाई 8 महीने से चैन से, समझ रहे हो? उनके फेस एक्सप्रेशन देखो, उन्होंने रोटी नहीं खाई है ढंग से जिस दिन तक किसान यहाँ आ गया दिल्ली में, ठीक है उन्होंने वादे कर रखे हैं उनसे पूंजीपति से, वो जो कर रखा है उनका पैसा यूज कर लिया, पैसा लेके चुनाव प्रचार में लगा दिया है, तो उन्हें ये करेंगे अध्यादेश इनको तो उसी चक्कर में तो रोके पड़े, नहीं तो और मोदी जी को जब हम मांग नहीं रहे पर जबरदस्ती हमें क्यों थोप रहे हो भैया, हमें खुश कर दो, हमारे अध्यादेश हटा दो, तो वो हटा सकते थे आज से पहले भी नहीं थे, 75 साल से नहीं थे, तो अभी क्यों ला रहे हो? 7 महीने बाद यूपी के चुनाव होने, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन किसान आंदोलन मुद्दा नहीं बन पा रहा है बढ़िया? नहीं नहीं, सब बनेगा, अभी रुक जाओ, बरसात खत्म हो जाए, सितंबर 5 सितंबर को पहली मीटिंग है, और फिर सितंबर में ही मथुरा में दूसरी मीटिंग है, फिर तीसरी बुलंदशहर में, फिर बुंदेलखंड लेंगे, रोहेलखंड लेंगे, ऐसे ही धीरे धीरे करके। नहीं, पार्टी कोई नहीं बना रहे, हम समर्थन कर रहे, समर्थन तो देखो उस पार्टी का किया जाएगा जो एमएसपी की तो गारंटी देगी, और एमएसपी की गारंटी के साथ में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेगा, चाहे उसमें आरएलडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, कंडीशनल वोट दिया जाएगा। नहीं, बीजेपी से तो लड़ाई है हमारी, बीजेपी से तो मतलब ही नहीं है, अनकंडीशनल वोट अब नहीं दिया जाएगा। चलिए ठीक है, समझ रहे हो, कंडीशन से वोट देगा।